ये टू डिजिट मल्टीप्लिकेशन आ गया है। आप देखें इसको कैसे करना है। ज़ीरो है बेटा, ज़ीरो के साथ किसी भी डिजिट को मल्टीप्लाई करेंगे तो ज़ीरो ही आएगा एज इट इज़। ज़ीरो टूज आर ज़ीरो, फिर ज़ीरो फाइव्स आर ज़ीरो, ठीक है। पहले हमने इस ज़ीरो के साथ इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है और फिर एट के साथ इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। ज़ीरो के साथ हमने कर दिया, ज़ीरो के बिल्कुल नीचे हम क्रॉस मल्टीप्लाई का निशान लगाएंगे, उसके बाद एट से करेंगे। एट टू ज़ार सिक्सटीन, सिक्स यहाँ लिखा, वन कैरी दिया, एट फाइव ज़ार फोर्टी और वन ऐड किया फोर्टी वन, यहाँ फोर्टी वन लिख दिया। अब हमने इनको ऐड करना है लाइंस लगा के। ज़ीरो का ज़ीरो एज इट इज़ आ जाएगा, फिर ज़ीरो में सिक्स ऐड किए तो सिक्स ही आएगा, फिर वन एज इट इज़ और फोर एज इट इज़ आ जाएगा, ठीक है। बिल्कुल सिंपल है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी ऐसे ही है बिल्कुल। ज़ीरो सिक्स ज़ार ज़ीरो, ज़ीरो थ्री ज़ार ज़ीरो, फिर मल्टीप्लीकेशन का साइन लगाया, सेवन सिक्स ज़ार फोर्टी टू, टू यहाँ लिखा, फोर ऊपर कैरी दे दिया, सेवन थ्री ज़ार ट्वेंटी वन और फोर ऐड किए तो ट्वेंटी फाइव। इसी तरह आप इनको प्लस करेंगे, लाइन्स लगाएंगे। ज़ीरो का ज़ीरो, टू में ज़ीरो ऐड किए तो टू ही आएगा, फिर फाइव और टू एज इट इज़ आ जाएगा, ठीक है। ये बिल्कुल सिंपल प्रोसेस से आपने क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। अब देखें जी, फाइंड द प्रोडक्ट, ये भी वैसे ही है। टू को पहले एट और टू से मल्टीप्लाई करना है, उसके बाद वन को टू एट और टू से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। टू एट ज़ार सिक्सटीन, सिक्स यहाँ लिखा, वन कैरी दे दिया, टू टू ज़ार फोर और वन फाइव। अब फिर मल्टीप्लिकेशन का साइन लगाया है, वन एट ज़ार एट, वन टू ज़ार टू, लाइन्स लगाई हैं। अब ऐड करना है, सिक्स लिखा, एट और फाइव कितने होते हैं थर्टीन, थ्री यहाँ लिखा, वन कैरी यहाँ दिया, बेटा वन कैरी यहाँ देना है, ऊपर नहीं देना। ये बहुत बच्चे मिस्टेक करते हैं, लेकिन आप गौर से देखें, जब ऐड करना है तो यहाँ पे आपने नेक्स्ट डिजिट पे ऊपर कैरी देना है। थ्री यहाँ लिखा, वन कैरी दिया, टू और वन थ्री, और यहाँ पे हमने थ्री लिख दिया, ठीक है। बिल्कुल सिंपल प्रोसेस से आपने ये सारे क्वेश्चंस खुद सॉल्व करने हैं। उसके बाद आ जाता है मल्टीप्लाइंग द फॉलोइंग, ये भी ऐसे ही है। थ्री फोर ज़ार ट्वेल्व, पहले थ्री को इन तीनों डिजिट के साथ मल्टीप्लाई करना है, ऐसे लिखना है, फिर मल्टीप्लिकेशन का साइन लगा के पहले डिजिट के नीचे, फिर वन को इन तीनों डिजिट के साथ मल्टीप्लाई करना है। थ्री फोर ज़ार ट्वेल्व, टू वन टू लिखा और वन कैरी दिया, थ्री टू ज़ार सिक्स और वन सेवन, थ्री वन ज़ार थ्री, पहले डिजिट के नीचे मल्टीप्लिकेशन का साइन लगाया, फिर वन फोर ज़ार फोर, वन टू ज़ार टू, वन वन ज़ार वन, वन के साथ किसी भी डिजिट को मल्टीप्लाई करेंगे तो एज इट इज़ वो डिजिट आ जाएगा। लाइन्स लगी हुई हैं, आप इनको ऐड करना है। इनको टू का टू आ गया, सेवन में फोर ऐड किए तो इलेवन, वन यहाँ लिखा और यहाँ वन कैरी दिया, फिर थ्री और वन फोर और टू ऐड किए तो सिक्स और वन एज इट इज़ आ जाएगा, ठीक है। ये आपने क्वेश्चंस खुद सॉल्व करने हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं जी आपके वर्ड प्रॉब्लम्स। राइट द आंसर्स इन द ब्लैंक्स, ब्लैंक्स में आपने आंसर लिखे हैं लेकिन इनको सॉल्व हम अलग पेज पे करेंगे, अपनी नोटबुक पे करेंगे। बेटा देखें, पहला है बीना सेव्स फोर बकेट्स ऑफ वाटर इन वन डे। बीना जो है वो चार बाल्टियाँ पानी की एक दिन में बचाती है। हाउ मैनी डज़ शी सेव इन वन वीक, और एक हफ्ते में कितना बचाती है। एक हफ्ते में बेटा सेवन डेज़ होते हैं। देखिए हम इनको कैसे सॉल्व करते हैं। बकेट्स इन वन डे, एक दिन में कितनी बकेट्स बचाई उसने, फोर। सेव इन वन वीक, वन वीक में कितनी बचाई हैं, वन वीक इज़ इक्वल टू सेवन डेज़, ठीक है। सेवन डेज़ के इक्वल होता है। अब हम फोर को सेवन के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, टोटल सेविंग कितनी है उसने की है, फोर सेवन ज़ार ट्वेंटी एट। बस इतना सिंपल सा क्वेश्चन है। उसके बाद है जी, देयर आर सेवन मैजिक हैट्स, देयर आर फोर रैबिट्स इन ईच हैट। सेवन मैजिक हैट्स हैं, टोपियाँ हैं, और फोर जो रैबिट्स हैं उनके पास एक एक मैजिक हैट है। वट इज़ द टोटल नंबर ऑफ रैबिट्स, टोटल रैबिट्स कितने हैं। बेटा सेवन को फोर के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो हमारे पास आंसर आ जाएगा। मैजिक हैट्स कितनी है, सेवन, और रैबिट्स इन ईच हैट कितने हैं, फोर। टोटल रैबिट्स कितने हो जाएंगे, सेवन को फोर से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर भी 28 आ जाएगा, ठीक है। बिल्कुल सिंपल प्रोसेस है। आगे देखें, देयर आर फाइव स्पाइडर वेब्स, पांच स्पाइडर वेब्स हैं, मकड़ियों के जाले हैं, सॉरी सिक्स स्पाइडर वेब्स हैं। सेवन इंसेक्ट्स आर ट्रैप्ड इन ईच वेब, हर एक में सेवन जो है इंसेक्ट्स वो ट्रैप हो चुके हैं। हाउ मैनी इंसेक्ट्स आर ट्रैप्ड ऑल टुगेदर, टोटल कितने इंसेक्ट्स जो हैं वो ट्रैप हो चुके हैं। ये देखें, स्पाइडर वेब्स कितने हैं, सिक्स, और ट्रैप इंसेक्ट्स कितने हैं, सेवन। टोटल कितने हो गए, सिक्स को सेवन से मल्टीप्लाई करेंगे तो 42 आ जाएगा, सिक्स सेवन ज़ा 42। अब नेक्स्ट देखें बेटा, ये बाकी क्वेश्चंस आपने खुद ही इस तरह इसी तरीके से सॉल्व करने हैं, ठीक है। अब ये देखें, टू लिखा हुआ है, वन नोटबुक कंटेन 75 पेजेस, एक नोटबुक के 75 पेजेस हैं। हाउ मेनी पेजेस आर देयर इन 32 नोटबुक्स, 32 नोटबुक्स में कितने पेजेस होंगे। ये देखें, ये भी मल्टीप्लीकेशन है,
वन नोटबुक कंटेन पेजेस, कितने पेजेस हैं, 75 पेजेस, और पेजेस इन 32 नोटबुक्स, 32 नोटबुक्स में कितने हैं, तो हमने 75 को 32 के साथ मल्टीप्लाई करना है सिंपल प्रोसेस से ऐसे, और इसका आंसर आ जाएगा 2400। ठीक है, उसके बाद आ जाए देखें क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 3 है। देयर आर 144 ऑरेंजेस इन वन क्रेट, एक क्रेट में 144 ऑरेंजेस हैं, हाउ मेनी ऑरेंजेस आर देयर इन 25 क्रेट्स, 25 क्रेट्स में कितने हैं, बिल्कुल सिंपल, इसको 25 को 144 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। देखें ऑरेंजेस इन वन क्रेट, वन क्रेट में कितने थे, 144, और ऑरेंजेस इन 25 क्रेट्स, 144 को 25 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे इस प्रोसेस से, तो आपका 3600 आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये वाले बाकी क्वेश्चन जो आपने खुद करने हैं इसी तरीके से, बिल्कुल ईजी क्वेश्चन हैं, किसी भी तरह की मुश्किल हो या कोई प्रॉब्लम हो तो आपने कमेंट्स में क्वेश्चन करके पूछ लेना है। ठीक है, नीट नीट इनको करना है, अपना बहुत ख्याल रखिए।